हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर अनुज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, एलएनजेपी हॉस्पिटल से सीएमओ हैं। डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सफदरजंग अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी रोबोटिक्स एंड रीनल ट्रांसप्लांट के। और डॉक्टर नितिन डांगे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता जो कि चेयरमैन है फिलिक्स हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ तमाम खास मेहमान जितेश जेठानंदानी हमारे संवाददाता, ये सभी लोग जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आज पूरा देश टकटकी लगाए सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि भाई 2020 में तो बहुत दर्द दिया कोरोना ने, अब वैक्सीन आने जा रही है। क्या लगता है आपको कि आज की इस मीटिंग के बाद हम खुशखबरी दे पाएंगे कि वैक्सीन को इजाजत मिल गई है इंडिया में? बिल्कुल, आज मुझे लगता है जो नया साल का पहला दिन है हम सब भारतवासियों के लिए कि बहुत अच्छी खबर लाने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि जो सबसे नंबर वन वैक्सीन आगे चल रही इंडिया में वो है कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाई है। और उसको सबसे अच्छी बात है इमरजेंसी ऑथोराइजेशन मिल चुका है यूके में। सरकार शायद इसी का वेट कर रही थी कि जहां पे वो ड्रग या जहां पे वैक्सीन वो डेवलप हुई है उस कंट्री में पहले अप्रूवल मिल जाए, उसके बाद हम उसको फॉलो अप करेंगे। और सारा डाटा ऑलरेडी फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन वाले तीनों ने सबमिट कर चुके हैं और तीनों वैक्सीन फ्रंट लाइन रनर्स हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इन तीनों में कम से कम दो वैक्सीन फाइजर और एस्ट्राजेनेका को तो मिलने ही वाली है और हो सकता है भारत बायोटेक को भी कोवैक्सीन को भी मिल जाए। और आज जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी एससीसी जिसको बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएस को विल मीट, आज मिलेंगे ये लोग और आज ये खबर देने वाले हैं, क्योंकि अब कोई रोड़ा आने वाला नहीं है। अभी तक ये लग रहा था कि यूके में अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है तो इसलिए हम वेट कर रहे थे, बिकॉज सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फाइजर और एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन का रहेगा, क्योंकि इसी के बेस पे हम भारत में वैक्सीन ड्राइव को चला सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी खबर है। और अच्छी बात क्या है, 75 मिलियन डोजेस, 7.5 करोड़ डोजेस जो है ऑलरेडी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना के रख चुका है और जो अभी फर्स्ट वीक में 1 मिलियन और बना लेगा, तो ऑलरेडी जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको इम्यूनाइजेशन की ड्राइव हम इमीडिएट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, ऑलरेडी सरकार ने जो टेस्ट रन है, ड्राई रन है, वो कई सारे स्टेट में कर चुके हैं अपने लॉजिस्टिक देखने के लिए, अपने मैन पावर को देखने के लिए, अपनी एसओपी को चेक करने के लिए, तो सारी प्रोसेस ऑन मतलब उस पे है, ट्रायल पे है और जैसे ही अप्रूवल मिलेगा उसी के 1-2 दिन के अंदर हम वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट कर सकते हैं।